तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का न्यू स्टाइल 15 अगस्त का स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रीव्यू देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इस वीडियो को क्रिएट कैसे करना है। ओ देश मेरे तो दोस्तों, प्रीव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को हम अलाइट मोशन एप्लीकेशन से क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं और आगे का स्टेप आपको बताते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9:16 वाला साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रेजोल्यूशन को 1080p, फ्रेम रेट को 60fps और बैकग्राउंड को ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड करते हैं। तो वीडियो को ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको सिंपली क्रोमा की पर क्लिक करना है और आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो की कलर है आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको इसकी कलर को व्हाइट कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद जो ब्रश है इसके हिसाब से आपको अपना फोटो एडिट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी फोटो से आपको वीडियो क्रिएट करना है आपको यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको बैक आना है, फिर से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है और आपको इसको वीडियो के नीचे आपको कुछ इस तरह से इसको रख देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, फिर आपको फोटो को सिलेक्ट करना है और जो फ्रेम है, जो ब्रश है, इसमें आपको इस फोटो को अच्छे से सेट कर देना है। इसको आपको कुछ इस तरह से इसमें सेट कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है और आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे ब्रश एंड हो रहा है और नया ब्रश स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इस फोटो की ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो फोटो है कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका, ये वीडियो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे फोटो एंड हो रहा है और ब्रश एंड हो रहा है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना नेक्स्ट फोटो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फोटो सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है और जो वीडियो है इसके नीचे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, फिर आपको इस फोटो को जो फ्रेम है, जो ब्रश वाला फ्रेम है, इस फ्रेम में आपको इस फोटो को अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे ब्रश एंड हो रहा है और नया ब्रश स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसी तरह से आपको एंड तक अपना फोटो एड कर लेना है। जो ब्रश है इसके हिसाब से आपको अपना फोटो एड कर लेना है। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एंड तक हम अपना सारा फोटो फ्रेम के हिसाब से सेट कर चुके हैं। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड करते हैं। तो वीडियो को ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है, फिर आपको लाइटिंग पर क्लिक करना है और आपको इसको स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका फोटो एंड हो रहा है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। तो फाइनली आपका वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका वीडियो सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है और आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।